हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का मिलेनियम एजुकेशन में। दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट फेज से रिलेटेड सारे जनरल स्टडीज क्वेश्चन से। पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ हम इसी तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर के आते हैं आप सबके लिए। इस मेन हमारा इसमें मोटो यह है कि हम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 700 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो सारे शिफ्टों में पूछे गए थे जनरल स्टडीज से। और एक्चुअली हो भी यही रहा है कि एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 2 या 3 दिन के बाद के शिफ्टों में रिपीट भी हुआ है, ऐसा भी केस देखने को मिला है। 28 दिसंबर से 13 जनवरी के अंदर में जो फेज 1 हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे शिफ्टों के क्वेश्चन एक जगह हमने कर दिए हैं सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसी के साथ भी डिस्कशन के साथ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आपके सेकेंड फेज में आ सकते हैं, और आप किस तरीके से तैयारी करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए विद इन अ शॉर्ट टाइम, किस किस चीज़ों को आप देख के जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द एग्जाम। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बिकॉज आपका एक शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिला सकता है, जिससे आपको मौका मिलेगा इस वीडियो का पीडीएफ हासिल करने के लिए। जैसे ही आप लोग इस वीडियो को 1000 शेयर कर देंगे, हम लोग आपको ये टोटल 700 क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आवर व्हाट्सएप चैनल आपको देंगे। प्लीज़ 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 शेयर करें इस वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे बहुत कंसाइजली देखेंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर मोड में है, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है, और आराम से इसे आप देखेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है चिकन करी इज फेमस इन विच सिटी ऑफ इंडिया। चिकन करी ये एक तरह का आर्ट है, वो लखनऊ में फेमस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज आर लैंड लॉक कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। इन साउथ अमेरिका पैराग्वे एंड बोलिविया आर टू कंट्रीज दैट आर लैंड लॉक। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज NH 44। ये कश्मीर टू कन्याकुमारी ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वॉज गिवन बाई फ्रांस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन वॉटसन। एक्चुअली क्रिक एंड वॉटसन भी आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, देश बंधु वॉज टाइटल ऑफ विच ऑफ द फ्रीडम फाइटर। ऑप्शंस में जो ऑप्शंस होंगे आंसर करेक्ट है चित्रंजन दास, CR दास, ठीक है, देश बंधु उनका टाइटल था। इसी तरह दीन बंधु भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट, शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज, और ये 1929 का ये एक्ट है। हरिविलास शारदा जो थे उन्होंने ये एक्ट पास कराने में मदद किया था, और इसी के साथ चाइल्ड का जो एज था वो इंक्रीज कर दिया गया था मैरिज के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। एट प्रेजेंट इंडिया हैज 42 रामसर साइट्स। रिसेंटली सोकर लेक इन लद्दाख बिकेम द 42nd रामसर साइट ऑफ इंडिया। इसी तरह आप कितने नेशनल पार्क हैं, जैसे कि नेशनल पार्क की टोटल क्वांटिटी अभी 105 हो गई है, और 105वां जो नेशनल पार्क है उसका नाम आपको याद रखना है, जो कि हमारा दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है, जो आपको याद रखना है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, व्हाट इज हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार की करेंट गवर्नर फागू चौहान है। नेक्स्ट, हुई यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज नीलम संजीवा रेड्डी, NS रेड्डी, याद रखना है आपको। ये स्पीकर भी रह चुकी हैं, ये स्पीकर भी थे, ठीक है, याद रखना ये स्पीकर भी थे। नेक्स्ट, URL का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, आंसर है मेसनर एंड हैबलर डी फूर्जी। ये
एक्चुअली इनका नाम आपको याद रखना है, जो विदाउट ऑक्सीजन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। सो माउंट एवरेस्ट रिलेटेड फर्स्ट मैन टू रीच, जितने फर्स्ट मैन है उन्हें आप देख लेंगे, ये आपको याद रखना है, मिसेलिनियस जीके का पार्ट है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बंगाल डिवीजन टेक्स प्लेस? सो बंगाल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा 1905 में, और इससे रिलेटेड सारे जो भी क्वेश्चन है, कौन वाइसराय था, लॉर्ड कर्जन, और जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लेंगे। राजतरंगिणी वॉज रिटन बाई, राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के ऊपर एक किताब है, ये कलहन ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू, सेरिकल्चर रिलेटेड टू सिल्क फार्मिंग होता है, ये आपको याद रखना है। हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, साबरीमाला टेम्पल इज इन विच स्टेट? सो साबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चल रहे, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये केरल में है। नेक्स्ट, उबुंटू बिकम्स अंडर वॉट? सो उबुंटू एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, वेन वॉज मंगलयान लॉन्च, या इसे मॉम भी बोलते हैं, मॉम मिशन, ठीक है। सो ये मॉम मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, और 2014 में ये चांद पे पहुंच गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? सो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जब आपसे पूछता है तो फर्स्ट है गुजरात, लेकिन उसके बाद के भी सारे आपको याद रखना है, लाइक गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, इसी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन एनवायरमेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया? सो एनवायरमेंट एक्ट जो है कब पास हुआ, 19 नवंबर 1986 को। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपसे पूछा था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये बहुत ही आसान है, 5 नवंबर 1556। सो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो आप आराम से हिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। फिर सिर्फ आपको एक नॉर्मल बुक कंप्लीट करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन टू, सो 55th जो है ज्ञानपीठ अवार्ड की है मिला है, सो ये आंसर होगा मलयालम के पोएट है अकित्थम, उन्हें ये मिला था, ये उनका पूरा नाम है अकित्थम अच्युतन नमुदारी, ये मेनली आपको अकित्थम बस याद रखें, काम हो जाएगा आपका उसी से। हु रोट राजतरंगिणी, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच टू स्टेशंस? वंदे भारत एक्सप्रेस जो के सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है, ये दिल्ली टू वाराणसी के रूट में चल रही है, और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेनम्बूर में ये बनाई गई थी, आपको याद होना चाहिए, 180 किलोमीटर पर आवर इसका जो है मेनली स्पीड है। नेक्स्ट, विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन है, सीपीयू को बोलते हैं। नेक्स्ट, विच बैंक मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा? सो बैंक मर्जर हुआ था, उसमें आपको याद रखना है दो बैंक, विजय बैंक एंड देना बैंक, ये दो बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज किया गया था। तो इससे रिलेटेड और जो दो बैंक का मर्जर हुआ था, जैसे पंजाब नेशनल बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से जो मर्जर है वो भी आपको याद रखना होगा सिंपली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पट्टचित्र आर्ट? पट्टचित्र आर्ट एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है या आर्ट फॉर्म है फ्रॉम उड़ीसा, या आपको याद रखना है, ये आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, साबरीमाला टेम्पल, ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, देख लीजिए रिपीट हो रहा है इसीलिए ये क्वेश्चन आए हैं। हु इज द करेंट डीआरडीओ चेयरमैन? सो जी सतीश रेड्डी वो डीआरडीओ के चेयरमैन है। नेक्स्ट, डांडी लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? सो डांडी डिस्ट्रिक्ट जहां से डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कुंडाकुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट? सो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में है? कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, इसी तरीके से जो बाकी पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ जो है प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, वो गुजरात में है, वो आपको याद रखना है, रिलायंस उसे चलाती है। नेक्स्ट, विच सिख गुरु स्टार्टेड पंज प्यारे? सो गुरु गोविंद सिंह स्टार्टेड पंज प्यारे। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? सो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदी बेन पटेल, जो के
यूपी की भी गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखना होगा आपको। इन विच ईयर डिड मोपला रिवोल्ट टुक प्लेस? सो मोपला रिवोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केरल में हुआ था 1921 में, याद आपको रखना होगा, स्टेट भी याद रखना होगा। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हार्ड वाटर? सो हार्ड वाटर जिसे D2O भी बोलते हैं, ठीक है, ये एटॉमिक रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? सो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज विक्टोरिया आइलैंड। नेक्स्ट, वेयर डिड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड? सो ये करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, रिसेंटली आसाम गुवाहाटी में ये 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स कंडक्ट किया गया था। हु इज सीईओ ऑफ नोकिया? सो नोकिया के सीईओ रिसेंटली बने थे पेका लैंडमार्क, उनका नाम पूछा गया था। सो जो रिसेंटली सीईओ और भी बन रहे हैं उनका भी आप देख लेंगे, और इंडियन सीईओ जो होंगे उनका नाम जरूर देखना आप लोग। फुल फॉर्म ऑफ एनआरयू? एनआरयू का फुल फॉर्म है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, डेट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट? सो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, आपको याद होगा। सो इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी जो छोटे क्वेश्चन हैं, किन्होंने नाइटहुड का खिताब दे अपना रिजेक्ट कर दिया, ये सारे क्वेश्चन भी आप इससे रिलेवेंट बनता है, वो भी आप देखेंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सो फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर मेनली एडेड विद द अमेंडमेंट ऑफ 42nd, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। उसके बाद 11वां भी ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ मोपला रिवोल्ट? सो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, केरला में मालाबार में ये एग्जैक्टली हुआ मोपला रिवोल्ट। सो दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए। यूज ऑफ DTO इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी हार्ड वाटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज है? सो इसको मेनली एज ए जो है स्लो डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को यूज किया जाता है, यानी मॉडरेटर के हिसाब से इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ सन इज विजिबल टू अस? सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली ही हम लोगों ने एक्चुअली ये लेयर्स जो होते हैं उनको टोटल देखा, और जो एक रिसेंट लेयर जिसका नाम कोरोना से रिलेटेड है वो विजिबल हुआ था कुछ दिन पहले, बट हम लोग मेनली फोटोस्फेयर देख पाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड बैटल ऑफ पलासी टुक प्लेस? पलासी का जंग कब हुआ था? 23rd जून 1757 को। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2020? सो इकोनॉमिक्स 2020 में नोबेल प्राइज मिला है रॉबर्ट बी विल्सन एंड पॉल मिलग्रोम को। ऑक्शन थ्योरी इन्होंने को रिफॉर्म लाया है ऑक्शन थ्योरी में, उसके लिए। विच अवार्ड इज रिलेटेड टू द म्यूजिक? सो जितने ऑप्शन थे उसमें ग्रैमी वाज ऑड, और ग्रैमी जो है म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वेयर इज NDA सिचुएटेड? यानी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का आपसे पूछ रहा है हेडक्वार्टर कहाँ है। सो इसका हेडक्वार्टर है खड़कवासला पुणे में। नेक्स्ट, विच प्राइज इज गिवन टू गली बॉय? सो गली बॉय फिल्म, ये उल्टा क्वेश्चन होना चाहिए था, इस साल इसे बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, एशिया का बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है गली बॉय को, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी मैंने इसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा है, बट ये आप जान के रखें कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस, इनके सैलरीज क्या होते हैं। प्रेसिडेंट का सैलरी 5 लाख पर मंथ है, वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख पर मंथ, 3.45 लाख फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सैलरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ बार्क आपसे पूछा है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, या जिसे इलबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। बट रियल फाउंडर अगर आपसे पूछता है तो आपको आंसर देना होगा इल्तुतमिस, ठीक है, क्या आंसर देंगे, इल्तुतमिस वॉज द फाउंडर, रियल फाउंडर। नेक्स्ट, आपसे पूछा है UNDP का ओरिजिन, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ? सो ये स्टार्ट हुआ है 1972 से। नेक्स्ट देखना है, हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सो नेशनल इनकम सबसे पहले दादा भाई नूरू जी ने काउंट किया था, ठीक है।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी? सो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसी तरीके से यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, केनिया नैरोबी में है। इसी तरीके से जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स है उनके हेडक्वार्टर आप देख लेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज भरतपुर लोकेटेड? सो भरतपुर एक सेंचुरी है, मेनली यहाँ पर आप देख ले। भरतपुर से रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकता है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। सो स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर बनाया था, ठीक है, ताकि वो लोग असेंबलीज में अपना रिप्रेजेंटेशन रख पाए। नेक्स्ट, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और उनके 1964 के बाद, देहांत के बाद, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन आपसे पूछा है। सो आउटर मेंबर ऑफ ब्रेन इज ड्यूरामेटर। सो ड्यूरामेटर इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, ठीक है। विटामिन डी के डिफिशियंसी किस से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट सीएम ऑफ गुजरात, सो विजय रूपानी इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ गुजरात। सो ये देखिए, कुछ सीएम गुजरात के गवर्नर, इस तरह का क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जीके बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। सीईओ ऑफ पेटीएम कौन है? सो पेटीएम के सीईओ अभी है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट, लीचेन, लीचेन एक ग्रुप है विच हेल्प इन डिटेक्टिंग व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन? लीचेन का इस्तेमाल किया जाता है एयर पोल्यूशन डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट, सांची स्तूपा बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? सांची स्तूपा दैट वॉज बिल्ड बाई अशोक बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। फिर आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ कांग्रेस पूछ रहा है या इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछ रहा है, इसका आंसर होगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाया था। नेक्स्ट, बाइल एक तरह का जूस है जो किस ऑर्गन से निकलता है, मेनली सेक्रेटेड बाई विच ऑर्गन? ये है लीवर से निकलता है बाइल। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज रिलेटेड टू, ये आपसे देखिए योजना किस चीज से रिलेटेड वो पूछा है, ये स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, याद रखना आपको। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, बट अगर अनडिस्प्यूटेड आपसे पूछता है तो आपको माउंट नंदा देवी करना है, क्योंकि कंचनजंगा जो है सिक्किम और नेपाल दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? सो वेब ब्राउजर आपसे पूछ रहा है, ये वेब ब्राउजर जो ऑप्शंस दिए थे उसमें सफारी इज ए वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज, सो शक्ति कांता दास इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे तरीके से चेंजिंग करके भी पूछ सकता है, ठीक है। शक्ति कांता दास के पास एक अलग भी पावर है, इन्होंने ये मतलब तीसरे गवर्नर है जो एक रुपए के नोट पे भी इनका सिग्नेचर है, ठीक है। बट एक रुपए के नोट पे सिग्नेचर किसका होता है? फिनांस सेक्रेटरी का होता है, ये आपको याद रखना है, बट इनका सिग्नेचर एक रुपए के नोट पे भी है। नेक्स्ट, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो है परम सिद्धि या मिहिर, ये आपको याद रखना है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये जो स्कीम था ये मेनली लॉर्ड रेपन ने स्टार्ट किया, और इसी वजह से फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है लॉर्ड रेपन को, या इनका एक एक्रोनिम भी है रिपन द गुड, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं, एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, एक यूनिवर्सल डोनर होता है। सो ए बी ग्रुप इज मेनली यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ग्रुप। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, ठीक है, जिसके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इन्हें नोबल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज ATP, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हु वॉज सीन कॉटनी? सो सीन कॉटनी रिसेंटली पास्ड अवे, हु वॉज ए फेमस एक्टर,
ठीक है, गवर्नर ऑफ तेलंगाना इज तमिल साई सौंदराजन। सो ये तमिल साई सौंदराजन तेलंगाना के गवर्नर हैं और ये 29th स्टेट बना था, ठीक है, तेलंगाना 2014 में 2 जून को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ HTTP, जो आप देखते हैं आपके HTTP आपको देखने मिलेगा वेब ब्राउजर में, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 वॉज अवार्डेड टू 5 पीपल, जिसमें से आपका कोई एक नाम दिया था, बट आप पांचों का नाम देख लें। रोहित शर्मा को मिला था, रानी रामपाल को मिला था, विनेश फोगट को मिला था, एम थंगावलू को मिला था और मनिका बत्रा को मिला था। तो इनका स्पोर्ट्स गेम क्या है वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, रानी रामपाल हॉकी टीम की कैप्टन है, विनेश फोगट एक रेसलर हैं, इसी तरीके से आपको सारा देख लेना है, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज, सो लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेनली CaOH2। नेक्स्ट, हु डिस्कवर द सेल, सो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज गिवन बाई या किया गया था रॉबर्ट हुक के जरिए। नेक्स्ट, शुक्रेश्वर टेम्पल, ये एक टेम्पल है, फेमस टेम्पल, ये आसाम में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आपसे पूछ रहा है, ये मेनली क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि रोहतांग पास जो नया है उसका एक नया नाम आया है। सो पूछा ये एग्जैक्टली है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है आपको, और इसका नाम है अटल टनल, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसे इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर इन दी वर्ल्ड, सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर नहीं, ये होना चाहिए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी इन दी वर्ल्ड, आंसर होगा लेक सुपीरियर, ठीक है। अर्थ डे थीम, सो अर्थ डे का थीम आपसे पूछा है, ठीक है। अर्थ डे का थीम था क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, याद रखना होगा आपको, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। GST किस तरह का टैक्स है, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, 2017 से इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल को आपसे पूछा गया था, अब वो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट से रिलेटेड हो सकता है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो सारे आर्टिकल्स जो है 52 से 62 के बीच में मिलते हैं, और कुछ स्पेशल आर्टिकल्स भी हैं वो भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट, ICC का हेडक्वार्टर आपसे पूछा है, ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, ये आपको याद रखना है, और ICC के नए जो चेयरमैन हुए हैं उनका भी नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है, ICC के नए जो चेयरमैन हुए हैं। नेक्स्ट, IPL के विनर हुए थे इस साल के मुंबई इंडियंस, ठीक है, IPL के विनर हुए थे मुंबई इंडियंस, ठीक है। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, सो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, सो रिसेंटली योशिहिदे सुगा बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बिकॉज शिंजो एबे ने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। INC कब फाउंड हुआ, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। कैपिटल ऑफ भूटान आपसे पूछा है, ये थिम्फू है, और भूटान ही वाहिद एक ऐसी कंट्री है जिसमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, या वहां पर मेनली रेल ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको याद रखना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, मेनली बोलना चाह रहा हूँ कि वहां रेल ट्रांसपोर्ट नहीं है, और इंडिया की वाहिद नेबर है। CM ऑफ केरला कौन है, पिनरई विजयन, ठीक है, केरला का कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष कवच जो है ये ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। गुरुशेखर ये कहाँ लोकेटेड है, सो गुरुशेखर जो कि हाईएस्ट पिक है अरावली का, ये राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बाबर, फादर ऑफ बाबर उमर शेख मिर्जा थे। नेक्स्ट, प्रोटोन किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अंबेडकर। प्रोटॉन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आप याद रखें कि इसका नाम किसने दिया, ठीक है, रदरफोर्ड ने नाम दिया था। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी डिस्कस, देन RBI के गवर्नर का नाम पूछा है डीमोनेटाइजेशन के टाइम में, सो डीमोनेटाइजेशन के टाइम में भी शक्तिकांता दास वॉज दी गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट, कांग्रेस सेशन जो महात्मा गांधी ने हेड किया था या जिसके चेयरमैन थे, वो 1924 में बेलगांव सेशन के हेड थे, ठीक है, याद रखना है आपको। और सबसे पहले 1901 में महात्मा गांधी कांग्रेस सेशन में शामिल हुए थे। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को पूछा आपसे,
पेरिस फ्रांस में। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी और बॉडी हैं सबके हेडक्वार्टर ध्यान से देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सो सार्क की मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है, ठीक है। सो उसमें ऑप्शन होगा, सार्क जो है ये मेनली 10 कंट्रीज की एक बॉडी है, ये इसमें देख लेना है आपको और ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर आपको कर देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपसे पूछा है। जतका टेल्स, ये मेनली जतका टेल्स बुद्धिस्ट लिटरेचर है और 500 बर्थ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड ये मेनली बुक है, ठीक है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर हेडक्वार्टर है, ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद थे, और जो बाकी प्रेसिडेंट्स हैं वो भी देख लेंगे, और प्रणब मुखर्जी जिनका रिसेंटली देहांत हो गया वो 13th प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है। बेरी 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 किस विटामिन के डिफिशियंसी से होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। विटामिन B1 के डिफिशियंसी से होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट, गीता गोविंदा ये एक बुक है, इसके राइटर थे जयदेव, जयदेव रोट गीता गोविंदा। नेक्स्ट, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। सो बैक्टीरियल डिजीज में ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, उसमें से ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट नेशनल पार्क आपसे पूछा है, इसका नाम है हेली नेशनल पार्क, या इसे ऑप्शन में हेली भी आ सकता है, जिम कॉर्बेट भी आ सकता है। 1936 में ये पहला नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हुआ था। एट प्रेजेंट देयर आर 105, टोटल 105 नेशनल पार्क आर देयर, रिसेंट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट्स भी आप देखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ASCII का फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस दो स्टेट के बीच में है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज मेनली रिलेटेड विथ तमिलनाडु एंड कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरला के भी कुछ पार्ट्स हैं, मेनली केरला के कुछ पार्ट भी इसके साथ रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2020। सो ये चूंकि फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ तो फर्स्ट फेज से पहले जो आंसर आया था वो आपको दिया गया था, जेयर बोल्सोनारो। बट ये रिपब्लिक डे 2020 का नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 2000 सॉरी, हाँ ये 20, हाँ 2020 का करेक्ट है, सॉरी, और 2021 का मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ। ये 2021 का अगर आपसे पूछे रिपब्लिक डे गेस्ट कौन है, तो इस साल रिपब्लिक डे में कोई भी गेस्ट नहीं होंगे। सबसे पहले जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आने वाले थे, बट उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर अनाउंसमेंट हुआ था कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आने वाले हैं, बट उनका नाम भी बाद में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 13 जनवरी को ये ऐलान किया कि कोई भी इस साल हमारा रिपब्लिक डे गेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी वॉज बोर्न इन विच ईयर। सो शेर शाह सूरी की पैदाइश 1472 में हुआ था, ठीक है, और बिहार के सासाराम में इनका टॉम्ब है। जादूगढ़ा माइन इज इन विच स्टेट। सो जादूगढ़ा माइन इज इन झारखंड, ये यूरानियम की माइन है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ चाइना आपसे पूछा है। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बीजिंग कैपिटल है चाइना की, ठीक है। नेक्स्ट देखना है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 किलो बाइट। सो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती है। हु इज द प्रेजेंट फिनांस कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। सो मेनली पूछा है 15th फिनांस कमीशन के चेयरमैन कौन है, वो है नंद किशोर सिंह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। सो अभी मैंने रिसेंटली डिस्कस कर दिया तेलंगाना के बारे में, जो कि 2 जून 2014 में बनी थी। वट इज द ट्रैक बॉल इन कंप्यूटर। सो ट्रैक बॉल क्या है, ये एक तरह की इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग करने के लिए काम आती है। स्टेट डेट एबोलिस लेजिस्लेटिव काउंसिल रिसेंटली। सो आंध्र प्रदेश ने 2020 के जनवरी के महीने में अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया या एबोलिस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। सो बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज लेमाइट्रे, ये आपको याद रखना होगा। बिग बैंग थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट, विच वाटर कम रेल ब्रिज कनेक्ट्स आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो बोगीबिल ब्रिज जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश को
जो है कनेक्ट करती है, और ये बोगीबिल ब्रिज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी? सो ओईसीडी इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ओईसीडी, और ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया था इनवर्टेब्रेट से रिलेटेड, ठीक है। सो वर्टेब्रेट जिनका वर्टेब्रल कॉलम होता है, इनवर्टेब्रेट जिनका वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है, उससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना? सो ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अपर और लोअर जो? सो अपर और लोअर जो का नाम आपसे पूछा है, मैंडिबल होता है लोअर जो और मैक्सिला होता है अपर जो। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पास पासिंग थ्रू श्रीनगर एंड लेह? सो लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करने वाला पास है बनिहाल पास, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हु इज द राइटर ऑफ द बुक द रिपब्लिक? सो द रिपब्लिक एक फेमस बुक है जो प्लेटो ने लिखी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? ये ब्रिमिंगहम यूनाइटेड किंगडम में होने वाली है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, डीमोनेटाइजेशन टुक प्लेस ऑन विच डेट? ये 8 नवंबर 2016 में हुई थी, शक्तिकांत दास इसके टाइम में आरबीआई के गवर्नर थे और फिनांस मिनिस्टर थे हमारे अरुण जेटली साहब। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट, विच इज इंडियाज एयर स्पेस बेस्ड ऑगमेंशन सिस्टम? सो ये है एक जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम दिया गया है गगन। सो जिस तरीके से जीपीएस सिस्टम है, ये इसी तरीके से इंडिया की एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंशन सिस्टम है, इसका नाम है गगन, याद रखना है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? सो साउथ अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं, ठीक है, केप टाउन, ब्लॉमफोंटेन एंड प्रिटोरिया। सो प्रिटोरिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से एक रिलेशन बनता है कि अभी आंध्र प्रदेश की भी तीन कैपिटल हैं, ये आपको याद रखना होगा। आंध्र प्रदेश की भी तीन कैपिटल हैं, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम और एक कुर्नूल। सो विशाखापट्टनम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगी और कुर्नूल जो है वहाँ की जुडिशियल कैपिटल होगी। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्टेड व्हेन एंड वेयर? सो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ये 1820 में मद्रास बॉम्बे एरियाज में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, इसका स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज दी महावीर जोजीला पास? सो मेनली पूछ रहा है आपसे जोजीला पास कहाँ है, ये लद्दाख और कश्मीर वैली को कनेक्ट करती है जोजीला पास, ये याद आप रखना है। आपसे पूछा है डचीगम नेशनल पार्क किस स्टेट में है? सो डचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी? सो ओईसीडी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, ओईसीडी ये पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये 37 मेंबर कंट्रीज की एक ग्रुप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में इसको गठित किया गया था। फीफा 2022 किस कंट्री में इन्हें होगी? ये कतर 2000 में होगी, 2022 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ रिचक्तिकम? सो रिचक्तिकम इज ए बुक रिटन बाई सुदराग। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ महावीर? सो वर्धमान महावीर, इनका बहुत सारा नाम है, ये वर्धमान महावीर का एक्चुअली महावीर का नाम पूछा है, इन्हें बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरिहंट भी इनका एक टाइटल है, ये भी आपको जान के रखना है, अरिहंट भी इनका एक टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक? सो इस जो ऑप्शन होंगे उसमें से बायोटिक एबायोटिक पूछा था, तो ग्रीन प्लांट इज नॉट ए बायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द सी ऑफ ड्रीम 11? देखिए ड्रीम 11 जो कि स्पॉन्सर रही है बहुत सारे गेम्स में और आईपीएल में भी स्पॉन्सर थी, ठीक है, उसके सीईओ है हर्ष जैन, जो कि एक गेमिंग मेनली ऐप है, गेमिंग ऐप है जिसमें एक तरीके से ड्रीम 11 में जो है मेनली आपका एक गेमिंग स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट नीफा वायरस आउटब्रेक टुक प्लेस रिसेंटली? सो ये नीफा वायरस 2018 में केरल में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड? सो इसका आंसर इस तरीके से याद रखिए, KGF
कोलर गोल्ड फील्ड कहाँ है? कर्नाटक में है, और कर्नाटक ही दी है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन इज रिलेटेड टू। सो ये एक ऑपरेशन ग्रीन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ये मेनली अप्रूव किया था, जो टॉप्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है। टॉप्स मीन्स टमाटर, ओनियन एंड पोटैटो, इन क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये मेनली ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड? सो कांग्रेस का ऑलरेडी डिस्कस कर गया था मैंने। व्हेन डिड स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट? सो स्वच्छ भारत 2014 में स्टार्ट हुई थी, इस साल में उसका छठा एनिवर्सरी मनाया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? सो ये बहुत ईजी है, CH4 मीथेन, याद रखेंगे। ओलंपिक 2021 कहाँ होगी? सो ओलंपिक 2021 होगी टोक्यो जापान में। 2020 वाला जो समर ओलंपिक्स था वही 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। हु डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल, ये ऑलरेडी डिस्कस है, देख लीजिए कितने बार रिपीट हो रहा है। नोबल प्राइज इज गिवन इन हाउ मेनी फील्ड्स? नोबल प्राइज इज गिवन इन 6 फील्ड्स। लास्ट वन टू बी अटैच वॉज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, ठीक है, 1969 में। वट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? बहुत ही इजी क्वेश्चन, सभी यूज करते हैं, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक। When did Nobel Prize started? अल्फ्रेड नोबल के नाम पे 1901 में ये प्राइज देना स्टार्ट किया गया। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी आपसे पूछा है, अदर स्टेट के भी क्लासिकल डांस आप देख लेंगे। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के अंडर में आती हैं, याद रखना आपको। पूछ रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल कब कंप्लीट हुआ? ये 1648 AD में कंप्लीट हुआ, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क? यहाँ पर 8 मेंबर होते हैं सार्क में, ऑप्शन में जो आया था उसमें आपको देख लेना है, शायद वहाँ पे म्यांमार होगा, म्यांमार इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। नेक्स्ट, दहेज प्रथा का अधिनियम, ये मेनली दहेज प्रथा कब खत्म किया गया? ये 1961 में ये पूछा गया था, ये हिंदी में एक क्वेश्चन मिल गया था हमें। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर थे सोहन सिंह भाकना एंड लाला हरदयाल, ठीक है। आपसे फाउंडिंग प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछता है तो आपको आंसर देना है सोहन सिंह भाकना, ठीक है, और लाला हरदयाल ने पार्टी बनाई थी। विच इज द लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? सो काकड़ापाड़ा जो है लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर आपसे पूछेगा इन विच ईयर आर्यभट्टा सेटेलाइट ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च? आर्यभट्टा 1975 में अप्रैल 19 को इसे लॉन्च किया गया था। इंडिया की पहली सेटेलाइट सिस्टम है जो कि इंडिया ने खुद लॉन्च की थी। हाउ मेनी कंट्रीज हैव वीटो पावर्स? सो वीटो पावर्स ये एग्जैक्टली पूछा है, यूएनओ में कितने कंट्रीज के पास वीटो पावर है? सो टोटली 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास ये वीटो पावर होता है, जिसमें वो 5 मेंबर हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ठीक है, याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज डज इंडिया हैव सी कोस्ट? या पूछना चाह रहा है कोस्टल लाइन पे कितने सारे स्टेट या यूटीज हैं? सो 9 स्टेट और 4 यूटीज जो हैं कोस्ट लाइन को टच करती हैं। नेक्स्ट, और सबसे बड़ा कोस्ट लाइन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, गुजरात के साथ है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने मेंबर्स नंबर्स ऑफ सीट्स हो सकते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में टोटल 250 सीट हो सकते हैं, बट प्रेजेंटली उसमें 245 सीट हैं, ठीक है, और जिसमें से 233 सीट स्टेट के द्वारा है और 12 सीट जो है यूटीज के द्वारा है। ये आपको या ये टोटली 233 सीट स्टेट और यूटीज के द्वारा है और 12 सीट जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। और ये 12 इमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं जो डिफरेंट लिटरेचर, आर्ट, साइंस से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है, व्हेन डिड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन या अभियान स्टार्टेड? सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 2015 की अभियान थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के
जो रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए मेनली है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बनाती है। ये एक प्रोजेक्ट था जो अटल बिहारी वाजपेयी के इसका थिंकिंग था। ठीक है, इनिशिएट किया था उन्होंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑलरेडी डिस्कस, विच कंट्री इज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाई 2019। तो 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मेनली मलेरिया फ्री घोषित किया गया था। अगेन आपसे पूछा है रेवोल्यूशन बुक 2020, ठीक है, इसका राइटर आपसे पूछा है। ठीक है, ये रेवोल्यूशन जो मेनली ऑलरेडी मैंने द रेवोल्यूशन एक बुक डिस्कस किया जो प्लेटू के लिखा लिखा हुआ था, यहाँ पर मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में। लाइट ऑफ एशिया पूछा है क्या, लाइट ऑफ एशिया बुद्धा को बोला जाता है। ये एक बुक भी है लाइट ऑफ एशिया जो कि एडविन आर्नोल्ड ने लिखी है। लाइट ऑफ एशिया बुद्धा को बोला जाता है, गौतम बुद्ध, याद रखना होगा। एरो मिसाइल ये किस कंट्री ने लॉन्च किया, सो एरो वन मिसाइल दिस वाज लॉन्च बाय इजराइल, याद रखना है आपको। ये करंट अफेयर्स था। विच कंपनी क्रिएटेड एमएस ऑफिस 2000, सो एमएस ऑफिस मेनली माइक्रोसॉफ्ट की जो है मेनली प्रोडक्ट है, याद रखना होगा। पूछ रहा है वॉशिंग मशीन में कौन सी थ्योरी अप्लाई की जाती है, वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन और वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करती है। विच कंट्री इज कंप्लीटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन, सो ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन सबसे पहले रशिया में कंप्लीट की गई थी। ठीक है, विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया गेम्स, सो ये एक्चुअली इस साल का पूछा गया था तो आसाम का ही होगा, गुवाहाटी में। वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट रेल इंजन फैक्ट्री, सो इंडिया की सबसे बड़ी रेल इंजन फैक्ट्री वो है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ऑफ चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है बैटल ऑफ घग्गर कब हुआ था, ठीक है, अफगान्स और बाबर के बीच में, ये 6 मई 1529 में हुआ था। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ए हेल्थ केयर सप्लाई चेन, सो ये एक इनिशिएटिव था जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये हेल्थ केयर सप्लाई चेन लॉन्च किया था वो है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी कब बनी, ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्वच्छ भारत ऑलरेडी डिस्कस्ड। फॉर्मूला ऑफ मीथेन ऑलरेडी डिस्कस। 2021 की ओलंपिक कहाँ होगी, ऑलरेडी डिस्कस। हु डिस्कवर्ड सेल, ये भी हमने डिस्कवर कर लिया था, ये पहले ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कांग्रेस सेशन, सो उमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट कांग्रेस सेशन। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन ऑन मून, सो पहली कंट्री जिसने मैन ऑन मून भेजा वो था अपोलो 1 मिशन ऑफ यूएसए, और यूएसए ने पहले मैन को भेजा ऊपर। नेक्स्ट, पीएम ऑफ विच नेशन हैज अनाउंस टू लॉन्च डिजिटल बिजनेस प्लान, सो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने डिजिटल बिजनेस प्लान का इनिशिएटिव लॉन्च किया था। वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पार्टी, सो ये गदर पार्टी जो लाला हरदयाल ने बनाया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर इज नोन बाय द नेम लिटिल मास्टर, सो लिटिल मास्टर वॉज द निक नेम ऑफ सुनील गवास्कर। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन एंजाइम जरूरी होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ये आउटर होगा, आउटर लेयर ऑफ स्किन इज इपीडर्मिस। नेक्स्ट, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट जो होता है आउटर मोस्ट होता है, देन मेंटल आता है और कोर आता है। ठीक है, हु बिल्ट मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। बॉमन कैप्सूल आपसे पूछेगा, बॉमन कैप्सूल ये एक तरह का ऑर्गन है जो नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है वही बॉमन कैप्सूल है। वेयर वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न, सो इनका जन्म जो हुआ था मुजफ्फर कुंडल वन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में हुआ था। डायरेक्ट आपसे स्टेट अगर पूछे तो आप बिहार लिख सकते हैं, लेकिन कुंडल वन आपका आंसर होगा। और कहाँ इनका डेथ हुआ, इनका डेथ हुआ था पावापुरी में। ठीक है, जो माला रिपब्लिक का एक जगह था, कैपिटल था पावापुरी। नेक्स्ट, वेयर इज अमरावती स्तूप या स्तूपा, सॉरी अमरावती स्तूपा होना चाहिए, ये अमरावती स्तूपा जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अमरावती स्तूपा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है,
व्हाट डू द सबमरीन्स यूज टू नेविगेट देयर वे अंडर वाटर? सो सोनार जो सिस्टम होता है वो सबमरीन्स यूज करती हैं, साउंड से रिलेटेड ये चीज है सोनार। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 1975 वर्ल्ड कप हेल्ड? सो ये इंग्लैंड में हुआ था, जो के इसके विनर थे वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, हु रोड द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी जब वो शिप के थ्रू जा रहे थे। नेक्स्ट, वो हु लॉन्च मनी ऐप फॉर ब्लाइंड? सो ये मनी ऐप जो है ये ब्लाइंड्स के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया था, ठीक है, और ये उनको पैसा पहचानने में जो है मदद करता है मनी ऐप। हु इज द सीईओ ऑफ एप्पल? सो एप्पल का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, टिम कुक उसके सीईओ हैं। सरदार सरोवर डैम किस स्टेट में है? ये नर्मदा रिवर पे गुजरात में है। नेक्स्ट, आपसे पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? ऑलरेडी डिस्कस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हु इन्वेंटेड जावा? सो जावा का इन्वेंशन किया था जेम्स गॉजलिंग ने। नेक्स्ट, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? सो बाइनरी लैंग्वेज इज यूज इन कंप्यूटर, बहुत ही आसान चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन दैट टुक प्लेस इन 1998? सो ये ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किया गया था राजस्थान में, ये 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है, पोखरान रेंज में। वेयर इज द बाइल जूस कलेक्टेड? बाइल जूस कहाँ कलेक्ट किया जाता है? ये निकलता है लीवर से और गोल ब्लाडर में इसे कलेक्ट किया जाता है। When was the RTI Act imposed? RTI Act imposed किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 को RTI जो है इसे इम्पोज किया गया था, ठीक है, 2004 की ये एक्ट है। What is the capital of Indonesia? So यहाँ पर जकार्ता लिखा हुआ है, बट आप याद रखें कि इसका कैपिटल जो है चेंज हो चुका है। ईस्ट कलिमंटन इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जो कि बोर्नियो आइलैंड की एक हिस्सा है, ठीक है। अटल टनल का आपका लेंथ पूछा है, अटल टनल 9.02 किलोमीटर की ये अटल टनल है, ये नाम है रोहतांग टनल या रोहतांग पास में है, ये याद रखना है। कौन से स्टेट में पूछेगा तो आप लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हु इज आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020? सो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ये सारे अवार्ड्स जो है 2020 दिसंबर में लॉन्च, उनका अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था, विराट कोहली को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स आवर आईज? सो आईरिस दैट इज द कंट्रोलिंग पार्ट, ये काम करती है हमारे अमाउंट ऑफ लाइट को जो कंट्रोल करती है, ठीक है, जो इंटर करता है आई में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट? सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये 1761 में हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? इसे टाका, बहुत ही आसान है, दूसरे कंट्रीज की करेंसीज आप देख लेंगे। व्हाट गैस इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर बॉडीज इन द सिटीज? सो कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है वाटर बॉडीज को प्यूरिफाई करने में? क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट? सो कंट्री पूछा है आपसे, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये जायरे जो है कोबाल्ट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। हु एस्टैब्लिश्ड खालसा? खालसा जो है गुरु गोविंद सिंह ने क्रिएट किया था, ठीक है। हु इज सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर? देखिए, जितने भी इंडियन कंपनीज हैं उनके सीईओ का नाम पूछा जा रहा है, संजीव मेहता जो कि सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर हैं, याद रखना है। व्हाट इज द एमलगमेशन ऑफ टिन एंड ग्लास कॉल्ड? सो टिन और ग्लास के एमलगमेशन को बोलते हैं सोल्डर, ठीक है। अमलगमेशन मेनली होता है दो चीज का मिक्सचर, याद रखना है आपको। व्हाट गैस इज यूज्ड व्हेन वाटर वेपर रिएक्ट्स विथ आयरन? सो वाटर वेपर जब आयरन के साथ मिक्स होती है तो कौन सा गैस मेनली प्रोड्यूस होता है, वो है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया? लॉन्गेस्ट रोड टनल है चेन्नई, मेनली श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसका नाम था, चेन्नानी टनल, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1924 सेशन? ऑलरेडी डिस्कस, बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, गांधी सागर डैम ये लोकेटेड है किस स्टेट में? गांधी सागर डैम इज ऑन चंबल और ये राजस्थान में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है लाफिंग गैस।
ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क? पीएच ऑफ मिल्क इज, इट इज स्लाइटली एसिडिक, 6.5, याद रखना आपको। फीफा 2020 कहाँ पर होगा? ऑलरेडी डिस्कस, कतर में होने वाला है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। फिनांस कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? सो फिनांस कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1951 में। नेक्स्ट, विटामिन B9, इसे क्या बोला जाता है? इसका साइंटिफिक नेम पूछा है आपसे, फॉलिक एसिड बोला जाता है इसे, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी? ईरान की न्यू करेंसी का नाम है तोमन, याद रखना होगा आपको। व्हेन वाज नरेगा स्टार्टेड? नरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2 फरवरी 2005 को स्टार्ट किया गया था। व्हेन डिड अकबर कम टू द थ्रोन? अकबर 1556 में मेनली बादशाह बने। यूएनओ में टोटल अभी 193 मेंबर्स हैं, याद रखना आपको। व्हाट इज द ओरिजिनेशन प्लेस ऑफ गोदावरी रिवर? यानी मेनली कहाँ से ओरिजिन होती है? नासिक के त्रिंबक प्लेटू से ओरिजिन होती है गोदावरी। व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई थी ढाका में, या ढाका जिसे बोलते हैं, यहाँ इसका हेडक्वार्टर था। व्हाट कॉजेस हेपेटाइटिस बी? सो हेपेटाइटिस बी किस चीज के जरिए होती है? यहाँ ऑप्शन होगा आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। सो आंसर है वायरस, ठीक है। विच प्राइम मिनिस्टर रूल्ड फॉर ओनली 13 डेज? यानी शॉर्टेस्ट डे के लिए अटल बिहारी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पूछा है, गुलजारी लाल नंदा होगा, और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बने थे ये 13 डेज के लिए पूछा है, ये गुलजारी लाल नंदा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पूना पैक्ट कब साइन किया गया और किसके दरमियान? ये मेनली B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के दरमियान ये पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 को, बट यहाँ महात्मा गांधी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय ने मेनली इस पैक्ट को साइन किया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखेंगे। हु डिसाइड्स रेपो रेट? RBI डिसाइड करती है रेपो रेट, जो कि जिसको बेस रेट भी बोला जाता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी? ऑलरेडी डिस्कस, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी का गठन किया था। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो हीरा लाल जे कानिया वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वेयर इज हाइपोथैलेमस लोकेटेड? सो हाइपोथैलेमस ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट ऑनर गिवन फॉर स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूशन? सो स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूशन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले ये अवार्ड मिला था, पहला अवार्ड। विच फेमस टेम्पल इज लोकेटेड इन कोरबा छत्तीसगढ़? सो ये सर्वमंगल मंदिर जो ऑप्शन में होगा वो आपसे पूछा था। सो सर्वमंगल मंदिर ये जो है फेमस टेम्पल है कोरबा छत्तीसगढ़ की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द बुक माई लाइफ माई मिशन? बाबा रामदेव की ये किताब है माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। वेयर इज लिंगनाथ मंदिर लोकेटेड? भुवनेश्वर उड़ीसा में ये मंदिर है, ठीक है। दीपा कर्मकर जो के ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, ये किस गेम से रिलेटेड है? ये जिम्नास्टिक की एक बहुत बड़ी प्लेयर है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन करेंसी द वैल्यू ऑफ द पिक्चर सांची स्तूपा इज गिवन? सो सांची स्तूपा हमारे 200 के नोट के पीछे होती है, तो इसी तरह 50 और 100 बाकी नोट के पीछे क्या क्या है वो भी आप देख लेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? कास्केडिंग स्टाइल सीट, ये फुल फॉर्म है CSS की। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ गोवा? सत्यपाल मलिक को गवर्नर ऑफ गोवा अपॉइंट किया गया था, ये अगर आपसे पूछता है 2020 के पहले का बेस के ऊपर में, ठीक है। वो अभी इसके गवर्नर नहीं है, सत्यपाल मलिक चेंज हो चुके हैं। शेड्स ऑफ सेफ्रन इज रिटन बाई? सबा नकवी की ये किताब है शेड्स ऑफ सेफ्रन, लेकिन आपसे अगर सबा नकवी की दूसरी किताब पूछती है तो वो हो सकता है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। नेक्स्ट, When is the dance day celebrated? 29 अप्रैल के दिन डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। Who is the CM of Goa? प्रमोद सावंत is the CM of Goa, ठीक है। What is the full form of TAI? So ये mainly Telecom Regulatory Authority of India होती है, ठीक है।
नेक्स्ट, वेयर इज बृद्धेश्वर टेम्पल लोकेटेड? बृद्धेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. नेक्स्ट, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लीफो. नेक्स्ट, हु लीड खिलाफत मूवमेंट? सो खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था? मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली. मोहम्मद अली शौकत अली ब्रदर्स थे, इन दोनों ने मिलकर 1919 में खिलाफत मूवमेंट चलाया था. ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है द वर्ल्ड बैंक चेयरमैन हु रिसेंटली रिजाइंड. सो जिम योंग किंग, ये जो मेनली है जिम योंग किंग, ये मेनली वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन थे जो रिजाइन इन्होंने कर दिया है. ठीक है, डेविड मालपास है वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन. नेक्स्ट आपसे पूछेगा, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछ दिया था आपसे, व्हेन इज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? सो 29 जून को प्रशांत चंद्र महलानोबिस के को मेली उनके नाम पे ही ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है. सो ये मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में. ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको बताए गए हैं जो आपका रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्वेश्चन को पहुँचाएँ और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.